हेलो एवरीवन। तो आज बात करेंगे रियल नंबर्स की सेकंड एक्सरसाइज की। तो इस एक्सरसाइज में जो पहला टाइप का क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस गिवन नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो हमें एक नंबर दिया हुआ है, उसको हमें उसके प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है। ठीक, तो यहाँ पे 140 दिया है, इसको इसके प्राइम फैक्टर्स में हमें लिख के दिखाना है। तो प्राइम फैक्टर वो फैक्टर है जो प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो जो सारे प्राइम वाले ही फैक्टर देखने हैं बस इसके। तो प्राइम मतलब ऐसे प्राइम नंबर जैसे 2, 3, 5 जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हो, ऐसे ही फैक्टर देखने हैं बस इसके। तो अगर हम 140 के फैक्टर देखें तो ये हम ऐसे करके उसके फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक, तो इसके फैक्टर ये आ जाएंगे 140 के 2 × 2 × 5 × 7। तो 140 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5 × 7। तो हमने इसको इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। ठीक, तो जो इस चैप्टर में दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए हमें एक चीज ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा उसके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। ठीक, तो एग्जांपल के लिए क्वेश्चन देखते हैं इसमें। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर दिए हैं, हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और फिर ये शो करना है कि जो एलसीएम इनटू एचसीएफ होगा इन दोनों नंबर का वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक, तो अगर 26 और 91 का हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम आ जाएगा इसका 13 × 26 और 13 × 7 = 91। तो ये आ गए इसके एलसीएम के जो नंबर्स आ जाएंगे वो ये आ जाएंगे। तो ये हो गया 26 × 7 यानी 42 × 4 = 14, 14 × 4 = 18। ठीक है, तो 182 उसका एलसीएम हो गया। ठीक है, ये तो इन दोनों का एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ देखें अगर 26 और 91 का। ठीक है, तो ये 13 × 2 = 2 और ये 13 × 7 = 7। ठीक है, तो कॉमन हो गया इसमें 13, तो एचसीएफ हो गया इसका 13। ठीक है, तो 26 और 91 का अगर हम एलसीएम देखें तो 182 आ गया और 26 और 91 का अगर हम एचसीएफ देखें तो एचसीएफ इसमें जो कॉमन नंबर हो गया वो हो गया 13, तो इन दोनों का एचसीएफ हो गया 13। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल है कि नहीं है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। तो हम एलसीएम इनटू एचसीएफ कर लेते हैं, तो एलसीएम आया था 182 और एचसीएफ आया था 13, तो ये हो गया 182 × 13। इसको मल्टीप्लाई कर लिया हमने तो ये आ गया 2366 और इन दोनों नंबर का अगर हम प्रोडक्ट निकाल लें तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 26 × 91, तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके आया 2366। ठीक है, तो इसका मतलब जो एलसीएम इनटू एचसीएफ है इन दो नंबर्स का वो इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो हम ये लिख सकते हैं लास्ट में एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है, तो हमने इस टाइप से इसको वेरीफाई कर लिया। ठीक, तो जो अभी हमने पढ़ा था कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो उस पर एक और टाइप से क्वेश्चन बनता है। जैसे हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, गिवन एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। ठीक है, तो यहाँ पे दो नंबर 306 और 657 का हमें एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम पूछा है इन दोनों नंबर्स का। ठीक, तो हमें पता है कि जो HCF into LCM होता है दो नंबर्स का वो उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक, तो हमें HCF दिया हुआ है इसका 9, हमें LCM निकालना है तो LCM की जगह ऐसे ही रहने देते हैं और नंबर हमारे पास है 306 × 657। तो यहां से हम LCM निकाल सकते हैं, तो LCM इक्वल टू हो जाएगा 306 × 657/9। ठीक, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 9 से, तो 9 × 1 = 9, ये 9 × 3 = 27, बचा 3 = 36, 9 × 4 = 36। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 22,338 जो कि इन दोनों नंबर का एलसीएम हो जाएगा। तो एक और टाइप का जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में वो है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो हमें ये पूछा है कि अगर हमारे पास 6 की पावर n कोई नंबर है तो क्या ये किसी n की किसी वैल्यू के लिए ऐसे नंबर में एंड कर सकता है जिसके लास्ट में 0 हो। ठीक, तो हम इसको चेक करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि 6 की पावर n एक ऐसे डिजिट में एंड हो जिसमें 0 हो, तो उसके लिए इसका एक फैक्टर 5 होना चाहिए। ठीक, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि 6 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 की पावर n, यानी इसके जो फैक्टर हैं वो 2 और 3 होंगे,
यानी इसके फैक्टर हो गए 2n और 3n, यानी 5 तो उसका फैक्टर है ही नहीं। और अगर 5 इसका फैक्टर ही नहीं है तो इसका मतलब 6n ऐसे डिजिट में एंड नहीं करेगा जिसके लास्ट में 0 हो। तो एक बार इसका सोल्यूशन देखते हैं, तो फॉर 6n टू एंड विद डिजिट 0, 5 शुड बी वन ऑफ इट्स फैक्टर, ठीक। बट 6n इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 × 3n, इसका मतलब इसके जो फैक्टर हो गया वो हो गया 2n और 3n, ठीक है। तो 2n एंड 3n आर द फैक्टर्स ऑफ 6n। सिंस 5 इज नॉट इट्स फैक्टर, देयरफॉर 6n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, ठीक है। तो क्योंकि इसका जो फैक्टर है वो 5 नहीं है, तो ये ऐसा डिजिट कभी नहीं बनेगा जिसके लास्ट में 0 आता हो। तो एक और टाइप का क्वेश्चन होता है इस एक्सरसाइज में। तो एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट एंड एट सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि सोनिया एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है और उसके लिए उसको 18 मिनट्स लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, और रवि को वो कंप्लीट करने के लिए लगते हैं 12 मिनट्स। अब ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया था, एक ही पॉइंट से चलना शुरू किया था, तो कितने मिनट्स के बाद वो वापस से दोबारा उस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे जहां से उन्होंने शुरू किया था, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जो भी हमें टाइम दिया होता है दो जनों का, उनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक। तो हम एलसीएम निकाल लेंगे 18 और 12 का, तो जो इन दोनों का एलसीएम आएगा उतने टाइम बाद वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे 18 और 12 का एलसीएम हो गया 36, तो ये 36 मिनट्स के बाद वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो आई होप आज जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं वो आपको समझ में आए होंगे और आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।